दो विचार थे हमारे दिमाग में, एक कि ऋचा चड्ढा जिस तरह की अभिनेत्री हैं उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए, उनके बारे में बात ही ना की जाए। दूसरा, इसे इस मुद्दे को लेकर देश के सामने जाया जाए ताकि आगे से ऐसा ना हो। और हमने ये सोचा कि आज हम ऋचा चड्ढा जैसे ऐसे तमाम लोगों को एक करारा जवाब देंगे। ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट में भारतीय सेना पर गलवान को लेकर एक ऐसा व्यंग किया है जिससे पाकिस्तान बहुत खुश है, लेकिन हमारे ही देश के वो शहीद जिनका उन्होंने अपमान किया है, उन शहीदों के परिवार आज बहुत दुखी हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमांड के कमांडर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 22 नवंबर को पीओके यानी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर भारत सरकार आदेश देती है तो भारतीय सेना पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप खुद सोचिए, पीओके हमारा हिस्सा है, कश्मीर का हिस्सा है, और जब हमारी सेना यह कहती है कि वो पीओके को वापस लेने के लिए तैयार है तो हर भारतीय को कितनी खुशी हुई होगी। जिस दिन ये बयान आया था उस दिन सब बहुत खुश थे। पीओके कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर आजादी के बाद पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्विटर पर जब एक यूजर ने भारतीय सेना के इस बयान का जिक्र किया तो ऋचा चड्ढा ने इसके जवाब में लिखा, गलवान सेज हाय। यानी क्या सेना को गलवान याद है? भारतीय सेना को गलवान तो याद होगा ही, या सेना गलवान की हिंसक झड़प को भूली तो नहीं है? दूसरा, उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए गलवान के उन शहीदों और उनके परिवारों के साथ एक भद्दा मजाक किया है जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ, अपनी जान समर्पित कर दी थी। यह उनका एक बहुत बड़ा अपमान है। आपको आगे की कहानी बताएं, उससे पहले यह देखिए कि इन शहीदों में लांस नायक दीपक सिंह का भी नाम है, जिन्होंने एक नर्सिंग सहायक के तौर पर इस हिंसक झड़प के दौरान यानी गलवान में 30 से ज्यादा घायल सैनिकों की जान बचाई थी। बड़ी बात यह है कि दीपक सिंह की शहादत के बाद उनके परिवार ने कभी भी इस पर अफसोस नहीं जताया, बल्कि गर्व दिखाया। उनकी पत्नी रेखा सिंह ने इसके बाद यानी अपने पति की शहादत के बाद उन्होंने खुद भारतीय सेना में शामिल होने का फैसला किया और आज वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हैं। आज आप सबको इस महिला के लिए, इसकी हिम्मत के लिए ताली बजानी चाहिए, इस परिवार के लिए आपको तालियां बजानी चाहिए। उन्होंने गलवान का नाम लिया, लेकिन वो इतने गलवान का बाके हुए कम से कम 2 साल हो गए, क्या कभी इस दौरान वो जो परिवार, जो शहीद के परिवार थे, कभी उनके बारे में उनकी जानकारी कभी ली? उन्होंने जो इस तरह की बातें बोली तो उससे क्या है कि भारतीय सेना का और उन्होंने अपमान किया, और दूसरे देश जो हमारे पड़ोसी देश है उनको एक तरह से बोलने का मौका दिया। तो मैं उनके लिए ही बोलूंगा कि भारतीय सेना बॉर्डर पे खड़ी है जो देश की रक्षा कर रही, तभी आप लोग सब लोग निश्चिंत होकर सो रहे हो। इसी साल फरवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि गलवान में उस दिन चीन के कम से कम 40 जवान मारे गए थे। यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। इसके अलावा रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में चीन के 45 जवानों की मौत की पुष्टि की थी। और इसी तरह अमेरिका के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि गलवान की झड़प चीन के लिए एक बुरे सपने की तरह थी, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि भारत की सेना उसे उसी की भाषा में ऐसा जवाब दे सकती है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने भी तब यही कहा कि गलवान में चीन के 36 से ज्यादा जवान मारे गए थे। कहने का मतलब यह है कि गलवान का संघर्ष भारतीय सेना के पराक्रम की याद दिलाता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद अब ऋचा चड्ढा ने अपने इस ट्वीट को हटा लिया है और इस मामले पर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन यह माफी उतनी ही नकली है। इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके इन 3 शब्दों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो इसके लिए माफी मांगती है। और इसी माफीनामे में वो ये भी लिखती है कि उनके नाना भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और भारत और चीन के युद्ध के दौरान उनके पैर में गोली लगी थी, और उनके मामा भी एक पैराट्रूपर रह चुके हैं और ये उनके खून में है। उदाहरण के लिए फिल्म पुष्पा में लीड रोल निभाने वाले एक्टर अल्लू अर्जुन ने हाल ही में कहा कि वो जब भी सेना पर कोई फिल्म बनाते हैं तो उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है।
आम तौर पर बॉलीवुड के जो बड़े स्टार होते हैं वो ऐसे मामलों में चुप रह जाते हैं, वो सोचते हैं कि इससे हमारा क्या लेना देना, क्यों विवादों में पड़ना, अपनी फिल्मों के बारे में सोचते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन अक्षय कुमार ने आज लिखा है कि ऐसे विचारों को देखकर दुख होता है, हमें अपनी सेना के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए और आज सेना है तो इसीलिए हम भी हैं। और यह जवाब है ऋचा चड्ढा जैसे लोगों को अक्षय कुमार का। केवल पाक ऑक्युपाइड काश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सहलता है बल्कि पाक ऑक्युपाइड काश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सहलता है कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है, अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। हमारी पार्लियामेंट ने जो प्रस्ताव पास किया था आज वो प्रस्ताव मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें साफ लिखा है, क्या लिखा है, जिस क्षेत्र को पाकिस्तान आजाद कश्मीर बताता है वो भारत का है और पाकिस्तान को इसे खाली करना ही होगा। और आपको पढ़कर मैं यहां से बता देता हूं, ड्यूरिंग 10th लोकसभा 9th सेशन 22 फरवरी 1994 को ये प्रस्ताव पास हुआ। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इज and shall be an integral part of India and any attempts to separate it from the rest of the country will be resisted by all necessary means. Or Pakistan must vacate the areas of the Indian state of Jammu and Kashmir which they have occupied through aggression. ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है और ये जो प्रस्ताव है इसे भारत की संसद ने पास किया है। सिर्फ लड़कियों के ही मस्जिद में अकेले जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, वो भी आज के जमाने में। यह मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि जो लड़कियां अकेले या ग्रुप में मस्जिद आती हैं उनका मकसद अल्लाह की इबादत करना नहीं होता बल्कि सारी लड़कियां वहां असल में लड़कों से मिलने के लिए आती हैं या लड़कों को मिलने के लिए बुलाती हैं। देखिए क्या राय वो रख रहे हैं दुनिया के सामने। इसके बाद ये कहते हैं कि लड़कियां वहां पर आकर डांस करती हैं और अपने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं और इन्हीं सारी गतिविधियों को रोकने के लिए यह फैसला लागू किया गया है। क्या लड़के टिकटॉक के लिए अपने वीडियोस नहीं बना रहे यहां पर? क्या लड़के यहां पर अपने रील्स नहीं बनाते? क्या लड़के लड़कियों से मिलने के लिए यहां पर नहीं आते? तो फिर लड़कों को क्यों नहीं रोका? यह कितनी हैरानी की बात है कि जिस दिल्ली में अगले वर्ष G20 देशों का अंतर्राष्ट्रीय समिट होना है उसी दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद में लड़कियों के प्रवेश पर इस सन 2022 की हम बात कर रहे हैं प्रतिबंध लग जाता है। महिलाओं पे रोक नहीं लगाई गई है, जो अकेली लड़कियां यहाँ आती हैं लड़कों को टाइम देती हैं, यहाँ आके गलत हरकतें होती हैं, वीडियोस बनाई जाती है, सिर्फ उस चीज को रोकने के लिए इस पर पाबंदी लगाई गई है। अगर आप अभी चारों तरफ देखें तो यहाँ महिलाएं मौजूद हैं, आप फैमिलीज के साथ आएं कोई पाबंदी नहीं है, मैरिड कपल आएं कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन किसी को टाइम दे के यहाँ आना, इसको मीटिंग पॉइंट बना लेना, पार्क समझ लेना, टिकटॉक वीडियो बनाना, डांस करना, ये किसी भी धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है। हमारा पाबंदी लगाने का यही मकसद है कि ये मस्जिद इबादत के लिए है और उसका इस्तेमाल सिर्फ इबादत के लिए किया जाए। अगर कोई इस तरीके का नेशनल मॉन्यूमेंट है और लोग उसको देखना जाना चाहते हैं तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी को फॉलो करने होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल हो। इस वजह से जो भी जामा मस्जिद में जो रूल रेगुलेशंस हैं एज़ पर शरीयत, उसको सभी को जाने वालों को फॉलो करना चाहिए जिससे कि किसी को एतराज ना हो। क्या उन्होंने जामा मस्जिद की तारीखी हैसियत खत्म कर दी? वो तारीखी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ महिलाओं के जत्थे भी आएंगे और देखने आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह का कानून बनाना बिल्कुल गलत है। दरअसल वो वहाँ पर अकेला आदमी भी आएगा, साथ में भी आएगा, समूह में भी आएगा और वो तारीखी जगह है और तारीखी जगह को देखने से कोई नहीं रोक सकता। मस्जिद के अंदर इबादत के वास्ते आना चाहिए, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सिनेगॉग हो या इमामबाड़ा हो, कोई भी जगह हो, यहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए आता है। यहाँ के ऊपर अगर इस तरीके से एक तफरीगाह बन गई तो उसका तकद्दस, उसकी पवित्रता जो है वो खत्म हो जाएगी।
इस मामले में फॉक्सकॉन कंपनी की तरफ से भी एक बयान आया है, जिसमें मजदूरों के साथ हुई मारपीट और उनकी तनख्वाह समय पर नहीं देने के लिए इस कंपनी ने माफी मांगी है। हालांकि इस कंपनी का कहना है कि ऐसा सिर्फ टेक्निकल एरर की वजह से हुआ, और इसके अलावा इस कंपनी ने अब यह भी कहा है कि वो उन तमाम मजदूरों को 1,00,000 रुपए से ज्यादा का बोनस देने के लिए तैयार है जो काम छोड़कर अपने घर वापस जाना चाहते हैं और बुरी तरह से डरे हुए हैं। चीन के नेशनल हेल्थ ब्यूरो के मुताबिक कल चीन में कोरोना से 31,000 नए लोग संक्रमित हुए हैं, और यह पहली बार है जब चीन में एक दिन में कोविड के इतने ज्यादा मामले दर्ज हुए। इस समय चीन के बीजिंग, शंघाई समेत और कई शहरों में स्कूल, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स को, सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया है और कई इलाकों में लॉकडाउन है। लेकिन चीन में लंबे समय से कोरोना की पाबंदियां झेल रहे लोग अब परेशान हो चुके हैं और उनका गुस्सा बाहर आ रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि उनके लिए रोजगार तो खत्म होता जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन हो रहे हैं, लोगों के पास रोजगार बचा नहीं क्योंकि कोरोना की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है और चीन के करीब 29% उद्योग बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित होने की कगार पर इस समय खड़े हैं।